अस्सलामुअलैकुम। फिर आपका कैसा टूर रहा है मुल्तान में? टूर अच्छा रहा हमारा। अभी देखें जी, अभी इसमें जा रही है सोया सॉस। यस अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शुक्रिया। अभी तकरीबन सुबह के क्या कह रहा हूँ, अभी दोपहर के तकरीबन 1 बज गया है और आपने ना बालों को भी इग्नोर करना है। अभी बाइक चला कर आया हूँ इसलिए फुल उड़ तबाह हो चुके हैं। ओए सूफी चला। ठीक है, अभी आपके पीछे ना ये भी दिख रही होंगी भाई साहब, सूफी साहब इसको क्या कहते हैं? अमरीश का नाम बोल गया, इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं। मैंने आपको इसे बताया भी था सालगर व्लॉग में, यहाँ पर ना कुछ टाइल वगैरह भी पड़ी हुई थी, बहुत लग चुकी हैं। खैर मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, वो भी आपको दिखाता थोड़ी देर बाद। फिर अभी ये आई हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कैबिन वगैरह बनाने हैं किचन के, ये भी बन जाएंगे। फिर ये भी एकदम बिल्कुल पप्पू बच्चे बनकर हमारा किचन तैयार हो जाएगा। और सूफी साहब फिर क्या चल रहा है, ठंडे का क्या हाल है आजकल? ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। बाकी भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि दुआ करो कि हमारी छुट्टियाँ बढ़ जाएँ। आपकी दुआ रंग ले आई थी, हमें छुट्टियाँ बढ़ गई थी और 10 तारीख तक हमें छुट्टियाँ हो चुकी थी, लेकिन छुट्टियाँ क्या अब फिर छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं, 10 को फिर स्कूल खुल जाने हैं, 2 दिन रह गए बस। फिर अहमद भी अंदर बैठा हुआ, फिर आपके अहमद के से भी जाकर मिलाते हैं, फुल मोबाइल चला रहा है उसको कि काम नहीं मोबाइल के अलावा, चलो फिर जाते हैं अहमद के पास भी। मैं तो कह रहा था कि भाई साहब अहमद बिस्तर में लेटा होगा ठंडी की वजह से, लेकिन वो देखो भाई साहब अहमद मलक और दूसरा जुबैर भी बार बैठे हुए हैं। जुबैर भाई साहब मुल्तान गया था छुट्टियों की वजह से, फिरने तुमने गया था, हम कहीं नहीं गए, हमारे मामा से पापा ने कहा यहीं रहो यहीं। अब जाते हैं फिर अहमद से मिलाते हैं सबको। और जुबैर भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। और अहमद मलक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया ठीक हो। ठंड की क्या बात है फिर यहाँ फैसलाबाद में? ठंड माशाल्लाह काम भी छिल रही है काम भी छिल रही है, बहुत ठंड है। फिर आपका कैसा टूर रहा मुल्तान में? टूर अच्छा रहा हमारा, मजा आया फिर? जी भाई हमारी मामा ने तो कहा आपने यही रहना है, यही सारी जिंदगी रहना है, कहीं नहीं जाना और कहीं। मामा ने कहा अभी जाने भी और लग भी बाद में बात करते हैं, अभी जानने हो गई है, जानने की वजह से हमने ब्रेक लगा दी थी। और जुबैर भाई मैंने आपसे पूछा था मजा आया फिर आपको मुल्तान में? जी बहुत दिल किया हमने, बहुत मजा आया फिर जी। और अहमद साहब यहाँ पे क्या हो कर रहे हैं? मेरा यूट्यूब आईडी है Zaini910, आप सबसे सब्सक्राइब करवाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ठीक है ओके भाई ठीक होगा, आ जाएगा, मैंने तो कर लिया, नेक्स्ट दोस्तों से भी करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया, फिर जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं हम तो दोनों को बर्गर खिलाऊंगा, ठीक है? बहुत गुड हो गया जी, डील डन की जाए, डील डन की, चलो ठीक है। KFC का खाना है, डील फिर डन हो गया। हाँ जी KFC कह रहा है, KFC की दीजिए आपने खाती, ठीक है ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। अभी अमर भी अंदर चला गया। बाहर आ गया और अहमद साहब की हाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठीक हो। वो देखो जी जुबैर भाई साहब 2-3 दिन में वापस सब उससे मिल रहे हैं। वो दानिश भाई क्या हाल है? तेरी यार आ गया हूं ठीक हो? दानिश भाई मसला बड़ा है जी, हमारी टाइल्स जो मैंने आपको दिखाई थी ना किचन में लगानी है, चेक करो कैसी लग रही है टाइल्स। ये ऊपर वाली लगी हैं, ये जो नीचे वाली ये था। हाँ जी तो कैसी लगी आपको टाइलें कमेंट में कमेंट जरूर बताना। माशाल्लाह भाई साहब किचन एकदम चमचमाता न्यू हो गया है, अब सिर्फ इसकी कमी रह गई है, जब ये भी हमारा कैबिन बन जाएगा ये वाला है अच्छा वाला हमारा किचन बन के फिर तैयार हो जाएगा। फिर अभी मैं ये है ना मोबाइल भी लाया हूँ किसके लिए, आपको पता ही है कि मेरा ये जो आईफोन 7 है ना ये नॉन पीटी है, फ़ोन किसी का आता नहीं है, ठीक है। अब इसमें से ये पहले फ़ोन है, ये इसमें से हम अपनी सिम निकालेंगे और इसमें अपने भाई साहब सिम डालेंगे ताकि फ़ोन वगैरह तो आए, ठीक है? ऐसे भी फ़ोन आ जाए उठाता उठोता में है नहीं ना, हमने कभी बैंड सेटर है क्या? क्या बोला तूने? क्यों सूफी साहब, चलो फिर डालो सूफी साहब सिम इसमें, इसमें डालो भाई साहब सिम। सूफी में कहना डलगी है जी, चलो जी सूफी साहब करो बिस्मिल्लाह ऑन करें। ओ नोकिया इसकी जगह आना चाहिए था भाई साहब, इसकी जगह तो आईफोन 15 प्रो मैक्स आना चाहिए था, ये जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है। अबे साले आ गई सिम, चल गया ये फोन, ये देखो आ गया जी जैज की सिम। हाँ अब फोन वगैरह आएंगे हम उठाएंगे, अगर ना आए तो हम किसी को फोन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बैंड से नहीं डलवाना कभी भी। क्यों सूफी साहब सही बात कही है?
बिल्कुल ठीक हो गया। और आज जी चाचू मन्ने ने हमें सूप भी बनाकर पिलाना है। आहा बहुत चंगा ना मैं चिकन सूप उसी चाचू ने हमें कोरोना बनाकर खिलाया था भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आया था। आज चाचू कह रहे हैं मैं आपको ठंडे की वजह से आज आपको सूप बनाकर पिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक हो गया जी क्यों नहीं, क्यों सूफी साहब सूप पियेंगे फिर आप? सूप पीना के सूप पीड़ना सूप पीड़ना सूप तोड़ देना फल पड़े ठीक हो गया। फिर चाचू शॉप पर जाना, फिर पूछते हैं जाकर भाई साहब कब सूप सूप वगैरह बनाना है। तो अभी भाई साहब अभी चाचू के शॉप पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भट्ट साहब बैठे हुए हैं। और भट्ट साहब क्या हाल है? शुक्र ठीक है। और विकास भाई क्या हाल है? ठीक है। छोटा बाटा छोटा बाट चाचू मन्ना कैसे गया? घर गया। अच्छा मैं भाई चाचू गए हैं घर खाना खाने गए हैं, चाचू से मैं घर रोकना है। चाचू कह तुम पहुंचो मैं चाय पी कर आ रहा हूँ शॉप पर। भैया पता है आपको आज सूप बनना है? फिर पता है मैम पता है। फिर आपने फुल इंजॉय करना, आपने भी आना ठीक है विकास भाई। भाई चाचू होता फिर आपको गुस्से में चाचू से मिलाते हैं बेटा साहब तो पहले मैंने ही इनवाइट किया चाचू ने। अच्छा और भाई साहब देखो ठंडी की वजह से चाचू ने भी शौक है भाई ये सारा छापर लगाया हुआ ताकि ठंड अंदर ना आए, ठंडी हवा अंदर ना आए। नहीं तो भाई साहब कहाँ से यहाँ पर कुंगड़ बैठते हैं। एक छापर आ बैठा ही वेला है आ छापर बैठा ही छापर छापर बड़ा छापर है ये बड़ा छापर नहीं ये बोरा है बोरा ये बोरा बोरा। A few minutes later. Oh जी चाचू मन्ने भी आ गया। चाचू जी क्या हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, तुसी सुनाओ होर जी जैन दे व्यूअर्स पब्लिक क्या हाल है? ठीक चाचू जी फिर तुसी आपने हमें बना कर खिलाया था कोरमा। हाँ जी बहुत मजा आया। आज मैंने सुना सूप बनने। हाँ जी आज सूप बनेगा अच्छे वाला सूप बनेगा जैसे अच्छे अच्छे होटलों में मिलता है। ठीक हो चाचू साडा ना अच्छा चाचू साडा ना बहुत बड़ा कोका ठीक हो गया ते वो सामने मेरा चाचा वद इधर और व्लॉग में आपको सूप की रेसिपी भी हम दिखाएंगे कैसे बनती है। ठीक हो गया नाइस टू मीट यू अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। अभी सामान भी ला लेंगे सूप का की लाना मैं चाचू फिर हमें चिली सॉस सोया सॉस और साथ में वो होता है चाचू पंजाबी बोल नहीं नहीं सिलका सिलका चिकन भी लेना है उसके साथ चिकन होगा फिर कॉर्नफ्लोर होगा फिर अंडे होंगे फिर पानी होगा फिर वेजिटेबल्स होगी फिर चाचू मन्ना होगा और हम और फिर उसके साथ गैस आ रही होगी तो बनेगा फिर चाचू मन्ना होगा और हम होंगे और खाने वाले हम होंगे अच्छे वाला भी। हाँ जी ठीक है ये हमारा ढोल पलवान होगा साथ। लो जी अब भाई साहब सुबह से रात हो चुकी है, सुबह से कह रहा हूँ दोपहर से रात हो चुकी है। चाचू मन्ने का कोई पता नहीं है, अब सूप देखते हैं। चाचू मन्ने की शॉप पर जाकर पहुँचते हैं, फिर चाचू से पूछते हैं सूप बनाने हैं कि नहीं। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाय हाय मुझे तो फिर निकल रहे हैं। हाँ सूफी साहब हाजिर हो पहले ही। हेलो भाई साहब हो हाड़ से भी यहाँ पर आया है। हाड़ साहब क्या हाल है? हाँ जी अगे अगे और अंदर भाई साहब ऐसा लोग फुल ऐसा ना रूम चट्टा सब बट साहब अंदर गान लगा कर बैठे हैं। बैठे के में मारी चेक करो आपको आवाज़ आ रही होगी देखो आई है कि नहीं। फिर हार साहब चले फिर चाचू की शॉप पर चलो भाई चले फिर सूफी साहब चलो। ठंडे का क्या हाल है हार साहब? भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है आपको नहीं क्या पता। अच्छा जी भाई सर्दी बहुत है लोग घरों में जा रहे हैं। अच्छा जी आप भी घरों में बैठिए तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। चाचू की शॉप पर भी पहुंच चुके हैं भाई सलमान बाहर ही बैठे हैं। और भाई सलमान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जैन बेटा ठीक हो? ठीक हो आप सुनाए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो ओके अभी अंदर भी चलते हैं। चलो जी चलो जी ये छापर पड़े कहने चाचू मन्ना कैसे? चाचू गोश्त ले आ रही है। गोश्त लेने गया है? चलो भाई साहब चाचू तो गोश्त लेने गया इसलिए मतलब सूप की फुल तैयारी है। अभी चाचू के पास पहुंचते हैं जहाँ से गोश्त ले रहे हैं चाचू। चलो जी चाचू मन्ना भी आ गए हैं सब्जी वगैरह तो ले ली है। चाचू मन्ना गोश्त लेने गया था गोश्त भी ले आए। चाचू मन्ना देखते हैं बाहर जा रहे और ये मीसना है केल का मीसना हम गया ही चल रही ठीक होगा फिर घर जाकर आपको मिलते हैं। टुकड़ी पर हम सारे बैठ चुके हैं सीधा घर जा रहे हैं। भाई साहब सब्जी वगैरह लेकर घर पहुंच चुके हैं और सूफी साहब सब्जी निकालनी शुरू कर दी है। क्या करो मटर निकाल रहा है सूफी चाचू मन्ना भी मटर निकाल रहा है।
क्या करो, अब मैं भी सुकून से सब्जी वगैरह निकालता हूँ, मटर वगैरह। चलो जी सब्जियां कट रही है, चाचू मेरा सब्जियां काट रहा है। इधर भाई साहब प्रेशर कुकर में कुछ देर डाल दिया ताकि अच्छी तरह से इसकी यखनी बन जाए, फिर सूप में डालेंगे। ओहो हादसा बहुत पड़ लिया, डालो 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 डालो। बस 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 बस, चलो अब प्रेशर कुकर लगाएंगे नमक वगैरह। चलो खोलता जाए, यखनी तैयार हो गई है। हाँ जी, तो अभी इसके अंदर हम गोश्त के रेशे वगैरह बनाएंगे, तो उसके बाद उसमें सब्जियां ऐड वगैरह करके सारा कुछ आपको प्रोसीजर दिखाते हैं। चलो अंदर आओ, अभी यखनी यखनी को ज्यादा निकाला जा रहा है, गोश्त ज्यादा हो जाएगा। यखनी ये सारी जो बनी है जा रही है नीचे वाले बर्तन में, और यखनी बन गई है। ये ले जी, अब हम इसमें डालने लगे हैं बंद गोभी जो यख, ठीक है, और इसमें गाजरें जाएंगी और साथ में मटर, ठीक हो गया, और ये अदरक कूटा हुआ, ठीक हो गया। और हम इसको अब फिर एक मर्तबा कुकर लगाएंगे। देखिए इसमें अभी जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। अब यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह डाल दी हैं सारा उसने यखनी में, एक बार फिर प्रेशर लगा दिया ताकि सब्जी वगैरह अच्छी तरह से पक जाए। और वकास भी यहाँ पर पहुँच चुका है जी भाई, मैं सूप चलेगा फिर? चलेगा अच्छे वाला करके। हाँ जी अच्छे वाला चलेगा, हार साहब चलेगा सूप? हाँ जी ठीक हो गया। सूफी वाले तो चलना है, तो मैंने पता है गारंटी शुदा काम है। चमक ये ले, ओए ओए ओए, प्रेशर को खोल दिया। अब देखते हैं सब्जियां अच्छी तरह पक गई हैं कि नहीं। चलो सब्जियां पक्की हैं कि नहीं? फिर सब्जियां अच्छी तरह हमारी गल चुकी हैं। हाँ जी, तो अभी हम इनको मैश के साथ मैश करेंगे अच्छी तरह ताकि ये घुल जाए। ठीक हो गया है, अच्छे वाला करके हमारा सूप तैयार होगा, फिर हम उसको पियेंगे। ठंडी की वजह से ठंडे का सी तोड़ है जी सूप। पूछा मैंने कुछ? वो भी चुम्मन के हाथ। ठीक हो गया, यह सब्जियों को मैश करना शुरू कर दिया चाचू ने। प्रेशर से सब सब्जियों वगैरह को जो यखनी बनाई थी ना, उसको इस बर्तन में अब शिफ्ट कर ले। यहाँ पर सब बनेगा, सब अच्छे वाला करके सूप। बाहर तो भाई साहब अच्छे वाला करके हमारा सूप रेडी हो रहा है। मैं और वकास आ चुके हैं अंदर, और मैंने एक बनाई थी भाई साहब शॉर्ट वीडियो बनाई थी हमने, मैंने सूफी ने भाई साहब अहमद ने बहुत फनी वीडियो बनी। पहले अब ये देखो वीडियो, चलो जी। लोटा लोटा बम बम बम, कोई बड़ा लोटा बम बम बम, तू ही लोटा मैं भी लोटा बम बम बम, असली लोटा बम। जी तो देख ले भाई साहब आपने वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट में जरूर बताना भाई साहब। फुल मजा आई है वीडियो बनी, एंड में भाई साहब सूफी को हमने रोशन भी कर दिया था। ये ले जी, इसमें गोश्त डाल दिया है हमने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ओके। अभी भाई साहब इस यखनी में गोश्त वगैरह डाल दिया है, लेकिन मैं भूल गया था आपको दिखाना, माजरत। अब कोई बात नहीं, गोश्त तो डाल दिया, अच्छी तरह रेडी हो जाएगा। अब इसमें और क्या डालने वाला रह गया? अभी इसमें सोया सॉस जाएगी और चिल्ली सॉस जाएगी और नमक और काली मिर्च हसबे जायका हम इसमें डालेंगे। ठीक हो गया, और एक चीज और आ गई है मेन, और अंडे, अंडे और एक और अंडे भी जाएंगे। यस, और एक और मेन चीज जो आपने बताई नहीं है, कॉर्नफ्लोर। वो तो जाएगा, कॉर्नफ्लोर तो गाढ़ा करने के लिए होता है। हाँ जी, इसलिए थिकनेस के लिए, ताकि अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, जिस तरह का आपको पसंद हो उतना डाल लें। ठीक है, अभी अंदर सूप तो बन रहा है, मैं लेने जा रहा हूँ भाई साहब कॉर्नफ्लोर, क्योंकि अंदर डाला ना थिकनेस के लिए। चौक चौक के मार मनी डॉन, ठीक हो? फैसलाबाद ठंड हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ठंड। अभी तकरीबन रात के 9 बज गए हैं और 9 डिग्री सेल्सियस अभी हो गया है, और मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओए ओए ओए, 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। फिर भी देती हैं जाएगा कॉर्नफ्लोर चाचू को, फिर पीते हैं गर्मा गर्म सूप। हेलो चाचू, इसमें डालने लगे हैं अब अंडा, और अंडा डालने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएँ और ऐसे ऐसे इसको घुमाते जाएँ। अच्छा, साथ साथ चम्मच भी चलाना, साथ साथ अंडा भी डालना है। अभी देखें जी, अभी इसमें जा रही है सोया सॉस। यस,
तो अभी भाई साहब चिली सॉस सोया सॉस वगैरह डाली है, अब चेक करो क्या सूप का रंग निकला है। हाय 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 चाचू मैंने एक मिनट तो आपने फिर खीर कर दी है। हम अखीर कर देते हैं करो सूप बिल्कुल। हाय हाय एकदम बिल्कुल चाचू सुबह रेडी हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने सिर्फ इसका जायका चेक करना है ताकि हमें पता चल जाए इसमें सोया सॉस या कुछ कम तो नहीं है, उस हिसाब से हम डाल लेंगे और नींबू का इस्तेमाल बाद में करेंगे। ठीक है भट्ट साहब भी आ गए हैं यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखो हमारा सूप भी रेडी हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सूप रेडी हो चुका है। अभी अभी गैस भी बंद हो चुकी है भाई साहब, सूप के साथ ही बनने के साथ ही गैस ही बंद हो चुकी है। और भट्ट साहब मैं सुना तुम बड़े कुड़ियां दे रिक्वेस्ट होंदे टिकटॉक ते जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे और झूठ ना बोलया करी यार। नहीं यार सही है, ओए ऐसे मुंह नु किन्ने पसंद करना, हंसदे चेहरेयां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नु कदे कोई तकलीफ नहीं हुंदी। नहीं यार ठीक होगा, अब मैं भी भाई साहब टेस्ट करता हूँ कैसा बनाया सूप। गरम बहुत है मजा आ गया। वकास साहब कैसा है? बहुत अच्छा है भाई। सूफी साहब भट्ट साहब कैसा है? मैं अपने चाचे के हाथ च मतलब बहुत आला माशाल्लाह ठीक हो गया है। चाचू का बहुत बहुत शुक्रिया, चाचू इतना बड़ा सूप बनाकर पाया बहुत अच्छे वाला। हाँ जी अब मैं थक चुका हूँ। हाँ जी फिर मैं अब सो जाऊँगा। ठीक है जल्दी से पीते हैं सूप वगैरह फिर आपसे मिलते हैं। अरे भाई साहब सूप वगैरह पी लिया है, बहुत मजा आया, हर तरह से धुआनियाँ शुरू होगा तू समझा नहीं को कानून नाकों से हर तरफ से। और भट्ट साहब मजा आया फिर आपको सूप पीने का, चस आ गई। अभी भाई साहब सूप वगैरह पी कर घर पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा मजा आया। अगर चाचू आप ये वीडियो देख रहे हो गए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपने अभी इतना मजेदार सूप लाया। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर, अगर अच्छा लगा तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।